माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र जय, हिंदू राष्ट्र जय। बेटा बाद में बैठ होगी, बेटा बाद में बैठ होगी, बेटा बाद में बैठ। आप सीधे सीधे देख सकते हैं तस्वीरें, मैं इन लोगों से जवाब सवाल कर रही थी। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, अभी जान लेते हैं इन लोगों से क्यों प्रदर्शन किया जा रहा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा से हूँ, और आज हमारा यहाँ पर हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ था, जिसकी अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद भी हम यहाँ पर आए थे। और बिना अनुमति के आपने प्रदर्शन कर लिया? नहीं, प्रदर्शन नहीं किया, प्रदर्शन उन्होंने करने कहा दिया, उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लेंगे। आप तो कर रहे थे वहाँ पे, अच्छा खासा बैनर लगा हुआ? नहीं, बैनर लगा लिया था, उनसे बात करके लगाया था, और हमारा हनुमान चालीसा के पाठ था। पर अब उनका यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, आप कह रहे बात करके लगाया था, बात करने से आपको मिल गया, यानी कि ये टोपी पे हिंदू महासभा लिखा है इसलिए परमिशन? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा एक शांतिपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ होना था, कार्यक्रम से पहले ही मीडिया से बात हुई और पुलिस का आरोप है कि हमने उसमें जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के कुछ बातें कही, जिसकी वजह से आपको यहाँ नहीं ठहरने दिया जाएगा। आरोप है या आपने वाकई में कहा था? नहीं, दो पत्रकारों ने जिस प्रकार के सवाल पूछे हमने उस प्रकार के जवाब दिए। अब आरोप हनुमान चालीसा के लिए आए थे या नूपुर शर्मा के प्रोटेस्ट के लिए आए थे? नहीं, हम हनुमान चालीसा के लिए आए थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाना था उसमें हमारी 7 मांगे थी, जिसमें हनुमान चालीसा को पाठ्यक्रमों में शामिल करना और नूपुर शर्मा को जो बलात्कार, हनुमान चालीसा को पाठ्यक्रम में और कितना दिलवाएंगे? हिंदू राष्ट्र बन चुका है और कितना हिंदू राष्ट्र चाहते? कहाँ हिंदू राष्ट्र बना है, कहाँ बना है, ये तो धर्म निरपेक्ष। सब जगह खुदाई हो रही है, आपको इससे तसल्ली नहीं हो रही? नहीं, खुदाई से हिंदू राष्ट्र थोड़ी बन जाता है। संसद में, भाई संसद में एक प्रस्ताव कोऑर्डिनेटर जो अभी कॉरिडोर बना वहाँ पे काशी में वो बन चुका, राम मंदिर आपके आस्थाओं के आधार पे बन चुका, आप कितना हिंदू राष्ट्र? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र भारत में संविधान के अनुसार संवैधानिक रूप से घोषित होना चाहिए, हमारी ये मांग है। मतलब प्रोटेस्ट किस लिए था आप ये बताइए? प्रोटेस्ट हमारा था हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से, जो नवनीत राणा जी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर के हुई थी, हमें देश के जनता तो बंद हो गया, अभी तो नूपुर शर्मा चल रहा है। नहीं देखिए सुने, मुद्दे कभी कोई बंद नहीं होते हैं, अन्याय अन्याय कहलाता है और अन्याय का प्रतिकार करना कभी किया जा सकता है। अन्याय क्या हो गया था? अन्याय ये हुआ कि उन्होंने भी हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया था और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ कर रही थी ये बताया आपने? मुख्यमंत्री के आवास पर। तो घर में करिए ना पाठ, नहीं तो सुनो अब वही पर फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर हिंदू मुस्लिम आप करेंगे, वो भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, सड़कों पे क्यों पढ़ते हैं? तो वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जानना चाहती है हमारी जनता भी कि हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है भाई, इतना ग्रंथ लिखे जा चुके हैं आपके, हनुमान चालीसा बैठ होगी। देखिए अभी जो है इनसे हम पूछ रहे थे, आधे में छोड़कर चले गए और बता नहीं पाए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं तस्वीरें, मैं इन लोगों से जवाब सवाल कर रही थी और इन लोगों से पूछ रही थी कि हिंदू राष्ट्र इतना बन चुका है लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर इनकी तोतनी बंद हो गई। अब सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सवाल करना चालू किया तो ये लोग भागते हुए नजर आए। आप सामने देखिए, सभी बाबा है, सभी गमछाधारी और संतरी आपको दिख जाएंगे, लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करने आए थे लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद यहाँ पर ये बैठ गए। और यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से सभी के हाथों में जो है गमछे थे संतरी कलर के, जी हाँ भगवाधारी थे सभी, और हिंदू महासभा के ये लोग थे, और इन अभी हनुमान जी भी यहाँ प्रस्तुत थे। सोचिए यही छवि अगर हनुमान जी की है और वो व्यक्ति हनुमान है तो फिर यहाँ चरणों में गिर जाना चाहिए था या मंदिर बन जाना चाहिए था और उसी के नाम के जय जयकार के नारे लगा देने चाहिए थे। यही छवि ऐसी ही एक फिल्म में आपने भी देखी होगी, इसी तरीके से पीके में भी दिखाया गया था किस तरीके से भगवान की छवियाँ होती हैं और उनको भगवान बोल दिया जाता है। मैं किसी की भावनाएं जो है आहत नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं एक हकीकत दिखा रही हूँ, किस तरीके से हिंदू सभा के लोग जो है उनसे सवाल मैंने किया तो वो कैसे भाग गए आप सामने देख सकते हैं। लगातार जो है उनके जो चेले लोग थे उनको घसीटते हुए ले गए, भाई चलो अब यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि मैंने 2 सवाल कर लिए, उनसे सवाल देता हुआ नहीं बना। आप इसी तरीके से देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।